नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फॉरेस्ट एंड राइडर यूट्यूब चैनल में। आज हम लखनऊ में हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं। अभी देख सकते हो मेरे पीछे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी का यहाँ स्टैचू है और साथ में उनके पापा जी हैं, यहाँ स्टैचू है। मैं उनके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। मैं जब लखनऊ घूमने आया था तब मुझे लगा कि लखनऊ में विकलांग लोगों के लिए, डिसेबिलिटी पर्सन जो पढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालय का सेवा लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय बना हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा तो मैंने सुना नहीं था, लेकिन दो भाई साहब यहाँ मिले हैं, ये दोनों यहाँ के स्टूडेंट भी हैं और इस स्कूल के, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। तो आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। मेरा नाम राकेश मलिक। कहाँ से हो आप? मैं सर रहने वाला मेरठ यूपी का हूँ जी, और यहाँ से मैं बीकॉम कर रहा हूँ जी। बीकॉम फर्स्ट ईयर है मेरा। कितने साल से पढ़ रहे हो आप यहाँ? मैं मेरा ये पहला साल है यहाँ। पहला साल है जी। और सर जी आपका? मेरा जो है 2018 से मैं हूँ, मेरा छठा साल चल रहा है जी। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम विजय शर्मा है जी। मेरा इस समय यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में बीएड चल रहा है, आईडी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। बीएड जो यहाँ पे बीएड जो यहाँ पे कोर्स है, ये तीन भागों में डिवाइड है। ओएच के लिए ओएच के लिए है, और वीआई के लिए वीआई के लिए है, और जो एचआई के लिए एचआई के लिए। एचआई से भी है, वीआई से भी है। और जो तो है, आप दोनों जो यहाँ पढ़ रहे हो और सारे आप लोग गवर्नमेंटल कोटे में हो जी? हम लोग गवर्नमेंट से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट कोटे से ही हम लोग जी। और जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको पता नहीं इसके बारे में। मैं सोचता हूँ इस वीडियो के थ्रू वो लोग पूरी वीडियो देख के सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। इसके बाद भी जो आज आप वीडियो पोस्ट करेंगे, इसके बाद भी आप जानकारी लें, कोई दिक्कत नहीं, पूरा जाए सब्सक्राइब करें चैनल, पूरी इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लें। बहुत ही बहुत बड़ा अवसर है ये विश्वविद्यालय दिव्यांगों के लिए खास तौर पे, और यहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन भी चलता है, दिव्यांग नॉर्मल सब साथ में बैठ कर पढ़ाई करते हैं। तो अब मैं आप लोगों से थोड़ा देर उधर जाके, क्योंकि हम अभी स्टैचू के इधर हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी आप जानते हो और जो आप फीलिंग कर रहे हो, जो आप लोगों को बताना चाहते हो, इसके बारे में प्लीज डिटेल बता दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग जो देख रहे हो, आप लोगों को भी अगर विकलांग कोई, आप भी विकलांग हो या कोई आपके घर में परिवार में आप जान पहचान में कोई है पढ़ना चाहते हैं, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ आपके लिए एक गंतव्य हो सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आइए भाई साहब से बात करते हैं। मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं इस विश्वविद्यालय में 2018 में एडमिशन लिया बीए कोर्स पे। उसके बाद लेने के बाद मुझे इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं जानकारियाँ हैं, ना नॉर्मल बच्चे ना डिसेबल बच्चों को, बहुत सारे लोग इससे जो है जानकारी नहीं प्राप्त की। और जो है होता यह है कि इस विश्वविद्यालय में बहुत से लोग अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त करके नौकरियाँ भी पा चुके हैं। ये विश्वविद्यालय हम लोग के लिए एक ऐसी ताकत है कि जिससे हम लोग अगर पढ़ के कुछ बन भी सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको इसके विषय में नहीं पता चलता, जब आते हैं यहाँ रहते हैं तो वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और इस विश्वविद्यालय की खासियत ये है, पुनर्वास है, 50% सीट यहाँ दिव्यांगों की है। और यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे आते हैं पढ़ाई करने, उनके लिए जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं। दिव्यांगता के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँगा दिव्यांगता के प्रकार का, तो इस दिव्यांगता के प्रकार में जो है हमारे जो है ओएच बच्चे आते हैं जो पैरों से विकलांग होते हैं, हमारे वीआई बच्चे आते हैं जो ब्लाइंड होते हैं जिनको आंखों से नहीं दिखता है, और जो डेफ बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं हिंदी में मुख बधिर, जिनको ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं अपने मुँह से, उनके लिए भी शिक्षा यहाँ प्राप्त करने का भी यहाँ पर जो है उनके लिए भी नए नए तरीके हैं। जैसे कि डेफ बच्चों के लिए है इंटरप्रेटर, साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको पढ़ाते हैं, और जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए होती है एक जो है उनके लिए एक लिपि होती है, वो उससे जो है पन्ने पे छेद कर करके जैसे होता उभरे वर्ड होते हैं, वो उभरे वर्ड को पता करके महसूस करके जान जाते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, उनके लिए उसको बोलते हैं ब्रेल भाषा बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं जिनसे हम लोग को सुविधा होती है, और जो है सब ये इंक्लूसिव शिक्षा यहाँ पे होती है, नॉर्मल बच्चे और दिव्यांग बच्चे सब एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है इस विश्वविद्यालय के लिए, और एशिया की फर्स्ट रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है ये बस। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और हमारे भाई साहब आप बता दीजिए कुछ। मेरा नाम राकेश मलिक है और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का यहाँ का छात्र हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय ही नहीं है, ये एक दिव्यांगों को, उनकी ऊंचाइयों को और दिव्यांगों को एक तरीके से ऊपर ले जाना, जिस तरह की आज हमारे समाज में सोच है दिव्यांगों के प्रति, उस सोच को ख़त्म करने के अंदर आ करके ये महसूस होता है जब हम नॉर्मल बच्चों के पास में बैठ करके पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी एक विकलांग हूँ,
मैं भी एक डिसेबल पर्सन हूँ, मैं OH हूँ, मेरे हाथ में हाथ से मैं डिसेबल हूँ एक हाथ से। तो यहाँ पे आके पता चलता है कि कौन किसकी मैच्योरिटी कितनी है और कौन क्या कर रहा है। ये एक विश्वविद्यालय नहीं है, एक एशिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय में तीन कैटेगरी के विकलांग बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आता है पहला ब्लाइंड बच्चे आते हैं VI, ब्लाइंड बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, OH बच्चे कर रहे हैं, डेफ बच्चे कर रहे हैं। जैसा कि अभी विजय भाई ने बताया कि यहाँ पे 143 भाषाओं का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हैं उनमें भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, 143 भाषाएं हैं। और जितना डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अंदर विकलांगों के प्रति या किसी नॉर्मल बच्चे के प्रति यहाँ पे शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है, वो हमें नहीं लगता कि किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा हो रहा है। और इस विश्वविद्यालय की एक खास बात हो रही है, जो बच्चा BPO का कोर्स करता है उसको यहीं पे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अंदर एक कृत्रिम अंग बोलते हैं जिसको, जिसका हाथ नहीं है या जिसका पैर नहीं है, वो यहाँ पे निःशुल्क उसको लगाया जाता है। और मैं बस यही बताना चाहूँगा कि जितना भी हो सके, जितने किसी को अगर ये नहीं पता कि इंटर करने के बाद में क्या करना है, कोई विकलांग बच्चा है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ मोहन रोड एक बार आप आएँ और एक बार आप आ करके देखें कि कैसा है और कैसा नहीं है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसकी तारीफ हो रही है, हमने यहाँ पे आके खुद ऑब्जर्वेशन किया है, हम खुद महसूस करते हैं इस चीज़ को, तब जाके हम आज बोल पा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था अटल ऑडिटोरियम में 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, जिसमें आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल जी भी आई थी, और विकलांग सशक्तिकरण विभाग के जो मंत्री हैं हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी वो भी आए थे। उन्होंने ये भी बोल के गए हैं कि जो अभी छात्रावास की वो चल रही थी और BTech और मतलब यहाँ पे अभी इसी सत्र में B Pharma और D Pharma लॉन्च किया गया है, यहाँ पे B Pharma और D Pharma की सुविधा भी दी गई है। और अभी ये 3 दिसंबर को बोल के गए हैं मुख्यमंत्री जी कि एक छात्रावास हम और यहाँ पे देंगे, एक छात्रावास महिला छात्रावास है और एक पुरुष छात्रावास है, जिसमें पुरुष छात्रावास में लगभग 750 बच्चे इस टाइम मौजूद हैं, और उन साढ़े सात सौ बच्चों में नॉर्मल बच्चे भी हैं और डिसेबल बच्चे भी हैं। डिसेबल बच्चे जो हैं, और ये नहीं है कि 50% सीट नॉर्मल बच्चों की है, 50% सीट विकलांग बच्चों की है। विकलांग बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा वो चला रखा है कि जो नॉर्मल बच्चे की जितनी फीस होगी उससे 2 गुना कम एक डिसेबल पर्सन की फीस होगी यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंदर। जो हॉस्टल चार्ज नॉर्मल बच्चे का 40,000 रुपये लगता है, वो पूरे साल का, वो एक डिसेबल बच्चे का यहाँ पे 4,000 रुपये पूरे साल की फीस लगती है, जिसमें कि रहना खाना बेड वगैरह सब मतलब सब प्रोवाइड निःशुल्क होता है, एक तरह का निःशुल्क ही है। और जहाँ रही बात क्लासेस की या उसकी, तो क्लासेस ऐसा है यहाँ पे जो सेमेस्टर वाइज अपना कोर्स चलता रहता है, और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अपने बच्चों से ज़्यादा सम्मान यहाँ के बच्चों को देते हैं। एक बात और मैं बोलूँगा, ये जो विश्वविद्यालय बना है ये दिव्यांगों के लिए कितना अच्छा अवसर है कि इस अवसर पे आके मतलब उसकी आर्थिक स्थिति ना सही होना तब भी यहाँ के पढ़ाई कर सकता है, अपनी पूरी अच्छे से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है और छात्रवृत्ति भी दिया जाता है यहाँ पे, छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप, वहाँ वो यहाँ पे यह भी प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ सकते हैं। और दिव्यांगता जो है वर्तमान समय में 21 प्रकार की दिव्यांगता में कोई भी दिव्यांग यहाँ आके अपनी पढ़ाई कर सकता है, एकदम निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं, आके यहाँ अपनी स्टडी कर सकता है, कुछ भी अपने जीवन में सफलता जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो बन भी सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय से बहुत लोग बने भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमारी हिमानी बुंदेला जी थी, ब्लाइंड है, आंखों से दिखता नहीं, अभी करोड़पति में गए थे KBC में 7 करोड़। इस विश्वविद्यालय का नाम भी उन्होंने लिया, वहाँ अमिताभ बच्चन जी के सामने भी लिया, और बहुत नाम हुआ इस विश्वविद्यालय का। 7 करोड़ रुपये उन्होंने KBC में जीते हैं।
और एक चीज़ और है, हमने यहाँ पे आके ये सीखा है, हमारे प्रोफेसरों ने, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि बेटा कोई भी शरीर से कोई विकलांग नहीं होता, सिर्फ अपने सोच से विकलांग होता है इंसान। सोच से अगर इंसान की सोच सही है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बंदे के सामने जैसा वो व्यवहार करता है या जैसी वो एक्टिविटी करता है वो वैसा कर सकता है, सिर्फ अपने अपनी सोच की बात है ये। और बात ये है, यहाँ पे अगर आप कोई दिव्यांग आता भी है तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखेगा, अपने मतलब अपने आप को इतना वो महसूस करेगा स्ट्रांग, कुछ बोलने का नहीं, अपनी लड़ाई वो खुद स्वयं लड़ सकता है, क्योंकि भारतीय संसद ने हम लोग के लिए इतना किया हुआ है। एक एक्ट आया था 1995 में, पीडब्ल्यूडी आया था पहले 1995 में, तो उस एक्ट में ये था कि दिव्यांगों को 3% रोजगार में छूट दी गई थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब रोजगार दिया गया था, बहुत सारा मतलब जो है उनके लिए मतलब बहुत कुछ किया। और 2016 में आया एक एक्ट आरपीडब्ल्यूडी ने 1% नौकरी में और मतलब छूट दे दी इन लोगों को, और इन लोग के बारे में आरपीडब्ल्यूडी भी बहुत किया, पीडब्ल्यूडी भी बहुत किया था, लेकिन उसका करेक्शन हो गया, भारतीय संसद ने इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत समय लगा इसको करने में, फिर आरपीडब्ल्यूडी नया 2016 वाला अभी भी चल रहा है अधिनियम। और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर जो नहीं जानेगा बच्चा यहाँ पढ़ेगा ना, बहुत कुछ सीखेगा, अपनी लड़ाई मुझे कैसी करनी है, एक दिव्यांग के लिए यहाँ वकील भी फ्री मिलता है, आपकी लड़ाई खुद जाके वो लड़ेगा, कुछ भी अगर आपके ऊपर विपदा आती है कोई दिक्कत नहीं है, डोंट टेक टेंशन अबाउट एनीथिंग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, और यहाँ आके बहुत कुछ सीखेगा दिव्यांग। स्टूडेंट के साथ में बैठे हैं, देख सकते हो मेरे साथ में दो भाई हैं, ए डिसेबिलिटी हैं और इधर नॉर्मल स्टूडेंट है। तो भाई साहब लोगों ने जो यहाँ महसूस किया है, जैसे मिलके सारे डिसेबल और नॉर्मल स्टूडेंट साथ में पढ़ने का जो एक माहौल है, इसमें जो सुन नहीं सकते और उनके लिए इशारे में पढ़ाने वाले साइन टीचर भी यहाँ साथ में हैं, तो मुझे यहाँ से निकलने के बाद में जब वो समाज में जाए तो समाज में जो भेदभाव है, जो डिसेबिलिटी और नॉर्मल में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को भी ये कम कर सके। और सारे यहाँ के स्टूडेंट को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और बाकी क्या क्या है इधर इस यूनिवर्सिटी में आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहे वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम अभितेंद्र प्रताप सिंह है, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से बीकॉम का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे दो तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक दिव्यांग विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थी। यहाँ पे एक भेदभाव की भावना नहीं है कि सामान्य विद्यार्थियों को कुछ अलग किया जा रहा है, दिव्यांगों के साथ अलग किया जा रहा है। यहाँ पे एकता बनाने के लिए कि किसी में कुछ वो भावना ना आए, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक साथ एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ाया जाता है। यहाँ पे दो टीचर रहते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए एक साइन लैंग्वेज के अलग से टीचर रहते हैं, और हम लोगों के लिए प्रोफेसर पढ़ाते हैं। जो प्रोफेसर हम लोगों को पढ़ाते हैं वो चीज़ 2x2 वही चीज़ कॉपी करके साइन लैंग्वेज में बच्चों को बताते हैं, जो हमारे इंटरप्रेटर रहते हैं, काफ़ी मदद करते हैं बच्चों की। और यहाँ पे ऐसा होने से एक और चीज़ सामने आई कि मतलब बच्चों में सेवा की एक भावना देखने को मिली है, कि कोई भी डिसेबिलिटी, जैसे कोई विकलांग बच्चा है, पैर से अपंग है, तो वो ऊपर चढ़ रहा है तो धक्का लगा दिए उसके उसमें, या उसको सहारा दे दिए, ले गए ऊपर, तो ये सारी भावना भी यहाँ पे आ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम शिवांश मौर्य है, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीए का छात्र हूँ। जैसा कि अपतेन भाई ने बताया कि सब छात्र एक साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं, बहुत बढ़िया है। पहले मैं इससे एक अलग चीज़ बताना चाहता हूँ, पहले जब मैं यहाँ नहीं पढ़ता था तो बाहर कोई ऐसा भी दिव्यांग छात्र दिखता तो उसको एक लोग मजाक के नज़रिए से देखते थे, ये मैंने बहुत नोटिस किया है। मैं यहाँ आया तो एक वो रोल चेंज हुआ कि हाँ, ये लोग भी कुछ कर सकते हैं, कुछ कर नहीं, हम लोग को बहुत, हम लोग से अच्छे हैं, वो ऊपर वाले ने जो जैसा वो दिया हो, लेकिन बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत बढ़िया हैं। मेरा नाम अनमोल शर्मा, मैं बीकॉम का छात्र हूँ। दो टीचर रहते हैं मोस्टली, और जब टीचर नहीं होते हैं तब तक कॉल भी करके बुलाया भी जाता है ताकि उन लोग को भी हेल्प हो जाए। और जो बच्चे लिख नहीं पाते, जो बच्चे जब टीचर नहीं होता है तो हम लोग के साथ बैठ जाते हैं ताकि हम लोग जो लिखें वो भी लिख सकें। इस विश्वविद्यालय में मैं दिव्यांगों के अवसर के लिए इसलिए बोला हूँ कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अगर दिव्यांग बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि होता है मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए बैसाखियाँ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के आप बैसाखियाँ ले सकते हैं, ट्राई साइकिल ले सकते हैं, मोटराइज ले सकते हैं, मतलब अगर आपको चलने में असुविधा हो उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। मतलब हमारे विश्वविद्यालय के अंदर ही मेरा एक लिम्ब सेंटर बना हुआ जिसको बोलते हैं कृत्रिम अंग, वहाँ पे जो है हमारे वहाँ पे भी एक कोर्स होता है, बीपी होता है, यहाँ के नॉर्मल बच्चे करते हैं कोर्स, वही सब
ट्रेनिंग लेते हैं सब चीज़ों को बनाने का और प्रोवाइड कराने का, और जो है किसी भी प्रकार की उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। मतलब एक तरह से फिजिकली भी यहाँ पर मदद होती है, कोई भी मतलब जिस तरह से अगर आप चलने में असहमत हों तो वो इस विश्वविद्यालय में आके आप वो भी पा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या आपको यहाँ से नहीं उत्पन्न हो सकती इस विश्वविद्यालय से। और जो भी आपको चीज़ें लेनी हो या फिर पढ़ाई करनी हो, यहाँ पर मेरी एक लाइब्रेरी भी, सेंट्रल लाइब्रेरी भी, पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी आपको, सारी बुकें यहाँ पर हैं। और जो है कोई भी समस्या हो मतलब ए टू जेड सब यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंदर सब प्राप्त। बैंक भी अपनी है और हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, मेरे यहाँ छात्रावास की भी सुविधा है, मेरे यहाँ छात्रावास में एक मेस भी चलती है, भोजनालय कक्ष भी है, सब कुछ है, नो टेंशन। हाय, माय सेल्फ हर्षित चौहान एंड आई एम परसुइंग बीटेक। ओके, हाय, माय सेल्फ पवन चौहान फ्रॉम बलिया और मैं यहाँ बीटेक करता हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, मैं अजीत चौधरी और मैं यहाँ पे बीटेक कर रहा हूँ। जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों को, मोस्टली आई ब्लाइंड्स को और जो नॉर्मल बच्चे को साथ में बैठा के पढ़ाया जाता है। और हेल्पर के लिए यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल पूरा फ्री है, ट्यूशन फीस पूरी फ्री है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं और यहाँ पर आके पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस यूनिवर्सिटी, आप आके यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अब हम जा रहे हैं लीम सेंटर में। हमारे पीछे कृत्रिम अंग और पुनर्वास केंद्र है जहाँ पे कृत्रिम अंग बनाया जाता है और लीम सेंटर भी बोला जाता है इसको। और यहाँ पे सारे डेफ जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वैसे विकलांगता हुए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्लासेस हैं। हम लीम सेंटर में पहुंच गए हैं जहाँ पे कृत्रिम अंग बनाया जाता है। तो सर जी हम मिले हैं, सर आपका इंट्रोडक्शन प्लीज। माय नेम इज शिवेंद्र मिश्रा। ओके, डिपार्टमेंट मेरा है आर्टिफिशियल लिम्स, उसमें एज ए फोर्थ स्टोर मैनेजर। ओके, तो आप हमको दिखाने जा रहे हैं कि क्या क्या बनता है, कैसे बनते हैं, आप दिखाएंगे? थैंक यू वेरी मच सर। आपको अंदर क्या क्या होता है? When the patient have the any deformity related to the ankle joint and foot, that time we are giving the ankle foot prosthesis. This is the temporary solution. It's a temporary solution like things when the patient came from a far distance. Okay. And he need the orthosis at the right day, that day, on the same day, particular day. That time we are using this. Otherwise, you took the cast, do the modification. Okay. It's a long process, actually. Okay. Which I showed. Until that they get the permanent one, you just support them by using plastic. Yeah. Okay. Thank you. Apart from that, other components are there like foot and pylon tube. These are the stocky nets. Okay. Stocky nets and all. These are the actually in case of below elbow or above elbow cases, this is the above elbow when the amputation is just above the elbow. Okay. That time we are giving you artificial elbow joint along with the hand. Okay. And other, and that's what we are preparing. Today I am also taking a cast of this is a foot. This is called Joyful foot. Okay. Which we are giving any type of any amputation related to PK or AK. After that these are the prosthesis we are likely making. Joyful limb, this is called Joyful limb. This is the case of below elbow. Okay. This type of limb we are giving. In case of below elbow which I have shown you just the cast. Yeah. After doing the cast, I will show you how to do the modification done and then the... This is the final result? This is the final result. Okay, it's ready to patient? It's ready to patient. Okay, it's good. It's ready to give the patient. We pour it here with the PUP powder. After pouring it, when the PUP is setting down, then we remove it and do the modification and rectification according to the patient's style. Very good, very impressive. And this is the case of below knee. This is the final for Joyful limb. This one is. Okay. This is the procedure of making limbs. After doing the that molding and all, removing the PUP, we are taking it here. We will assemble all the components like the pylon tube, foot and all. After fitting all these, we will trial on the patient. And after patient satisfaction and patient is okay with all this, then we will go for the final cleansing. Yes. बस इतना ज़्यादा जानकारी मिला मुझे आज इसके बारे में, लिम्स सेंटर में आया सर जी। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो मच अप्रिशिएटिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। इतना अच्छा, देखिए सारा दुनिया दिखा दिया मैंने इस लाइफ का, दुनिया ही है ना, जीरो से लेके फिनिशिंग तक है। देखिए
किसी का पैर जो मेरे हाथ में है, कोई इससे अपनी ज़िंदगी चला सकता है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर असिस्टेंट प्रोफेसर पी एंड वर्किंग एट ALRC DMS एंड नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर की वजह से आज मैंने पूरा देख लिया है, रिम सेंटर पूरा देख लिया, हाथ कैसे बनते हैं, पैर कैसे बनते हैं, सारे मैंने देख लिए। थैंक यू वेरी मच सर, अप्रिशिएट। थैंक यू सर, सर थैंक यू। रिम सेंटर में है मैं, मेरे साथ में है मोहम्मद रईस, मोहम्मद रईस सर जो यहाँ के टेक्नीशियन है, सारे हाथ पैर जो भी आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले ये बनाते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के है ना, बहुत अच्छे से हमें आपने आने दिया, रजिस्टर करवाया, नाम लिखवाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत ऑफिशियल तरीके से अंदर आए। और सर कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए, कितने साल हुए? बहुत अच्छा, मुझे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए जी सर। अभी तक कितने लोगों के हाथ पैर आपने बना दिए यहाँ पे? कम से कम 3,000 लोगों के। 3,000 आपकी वजह से चलने पा रहे हैं जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट, थैंक यू। इन दोनों भाइयों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप इन दोनों की वजह से आज मैंने बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि अगर कोई विकलांग बच्चा हो वो यहाँ से बताना हो जिसको भी, हाँ। सिर्फ ये उद्देश्य है, क्या पता किसकी वजह से किसकी लाइफ बन जाए। थैंक यू जरूर, ये उद्देश्य आपकी वजह से शायद किसी ने का लाइफ बनेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया करना अदा करना चाहता हूँ मैं। इन्हीं की वजह से आज बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, हाथ कैसे बनते हैं, पैर कैसे बनते हैं, लोगों को जो विकलांग होते हैं उनके हाथ पैर कैसे बनाया जाता है, सारा देखने को मिला। और मैंने अभी तक मेरे लाइफ में देखा नहीं था कि विकलांग हुए लोगों के लिए इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उनके लिए विशेष पढ़ाई है, उनके लिए हाथ पैर यहीं बनते हैं। इतना अच्छा सोच रखने वाले जिन्होंने भी इस कॉलेज को बनाया, यूनिवर्सिटी को बनाया, उनको मेरे तरफ से प्रणाम है। थैंक यू वेरी मच, आई फील सो मच प्राउड ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस, थैंक यू।